लोग बहुत ही प्राउडली कहते हैं यू आई डोंट रीड, बट मतलब आई पर्सनली वॉन्ट टू आस्क देम, डू यू हैव द टाइम, पेशेंस, एनर्जी, माइंड सेट एंड इवन मनी टू अफोर्ड इट? रीडिंग इज नॉट चैरिटी, इट्स अ लग्जरी. I would say it's a rich man's habit. बोला होगा कभी ना कभी, but अभी the kids are like कि यार टेक्स्ट बुक्स तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब यहाँ की अपने वो नॉवेल्स कहाँ से पढ़ेंगे. Hi guys, this is Samar, creator of the Wordsmith Show, and today we are going to talk about reading and writing. इस एपिसोड में हमने बात की है बुक्स के बारे में, नॉवेल्स के बारे में, मेंटालिटी ऑफ अ रीडर, द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, एक बुक की पब्लिशिंग के बारे में एंड मेनी अदर थिंग्स. सो वेलकम टू द एंटरटेनिंग येट एनलाइटनिंग एपिसोड ऑफ द वर्ड्समिथ शो फीचरिंग इंडियन यंग बर्डिंग ऑथर दीप्ति शर्मा. Hi Dipti, how are you? Hi Samar, how are you? I'm good. How are you? I'm great too, and I guess I will be more great after having this conversation. And that's a pleasure. Before beginning, I just want to congratulate you. Today we are shooting Aaj. It's an year of your career and as author, so it's great. Like, I just want to congratulate you again for the successful publishing of the book and for the successful 1 year career as an author. Thank you. You are an author. You write for people, app readers ke liye likhte ho, logo ke liye likhte ho. So, as an author or as a human being, why do you think ki reading is zaruri? Okay, Samarth, I'll reply to this question as a human being, not as an author. Okay. Aapko kya lagta hai? Like, ek insaan aur ek janwar mein kya fark hai? I think ek dimag ka, hum kaise sochte hain, hum kaise apne thoughts ko process karte hain. हम कैसे किसी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, आई थिंक ऐसे ही हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है. तो वो कैपेबिलिटीज, हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो बहुत कुछ हमारी एजुकेशन पे, हमारी सिचुएशंस पे, हमारी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करती है. बट एक बार जब हम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद देर हैज टू बी समथिंग दैट कीप्स अस इन चेक विद आवर इमोशंस. मुझे लगता है कि रीडिंग उसमें इज अ वेरी इंस्ट्रूमेंट. अब बड़े बड़े ऑथर, सक्सेसफुल लोगों को अगर आप देखें इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, एक चीज जो आप उनमें कॉमन पाएंगे वो यही है कि मतलब लाइक उनको देख के आप सोच सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने थॉट्स को प्रोसेस किया होगा, कैसे उन्होंने अपनी वो इनर वॉइस को पहचाना होगा, कैसे अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करके अपने आइडियाज को एक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट किया होगा. उन सबके पीछे मुझे लगता है कि जो एक रीजन रहा होगा, दैट वॉज दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थॉट्स. उन्होंने जो आर्टिकुलेट किया अपने थॉट्स को, अपने बेस्ट वे से उनको रिप्रेजेंट किया, आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स देम सो बिग एंड सो इम्पोर्टेंट. तो मुझे लगता है कि रीडिंग आपको आपकी आवाज देता है. इट्स वेरी बहुत ही मतलब साउंड कर रहा होगा बहुत ज्ञान वाला, बट जस्ट थिंक अबाउट इट. हम जब किसी से मिलते हैं, हम जब कोई मूवी देखते हैं, तो हम थोड़ा बहुत उस कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं. हम बचपन से लेके मान लीजिए 25 साल तक हो गए, हम कितने लोगों से मिले हैं, कितने सिचुएशंस में रहे हैं, कितनी मूवीज देखी हैं, और इतने लोगों का एनर्जीज को हम रिसेप्ट करके हम उनके जैसा रिएक्ट कर रहे हैं. बट हु आर यू एक्चुअली? आपकी अपनी एक पहचान आपको ढूंढने में मुझे लगता है रीडिंग बहुत इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत हेल्प करती है. आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो आपके थॉट स्ट्रक्चर होते हैं एंड यू बिकम वाइज. तो आई थिंक रीडिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे आसपास एक हेल्दी एनवायरनमेंट का होना. ये सो आई मस्ट से कि बहुत इनलाइटनिंग थॉट था ये. लाइक रीडिंग, जो दो तीन पॉइंट्स मेरे को बहुत ज्यादा हिट किए वाज रीडिंग क्रिएट्स एन इमोशनल कनेक्ट. मींस आप अपने थॉट्स और आइडियाज को एक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करते. सो दैट्स द बिगेस्ट लाइन जो मैं यहाँ से लाइक पिकअप करूंगा अबाउट रीडिंग. व्हाई रीडिंग इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट गिव्स यू द पावर टू एक्सप्रेस. बहुत लोग कांट स्पीक, या पीपल कांट स्पीक बट दे कैन राइट. बहुत से लोगों को स्टेज फोबिया होता है, दे कैन नॉट गो इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड स्पीक, बट एटलीस्ट दे कैन राइट. वो घर में कोने में बैठ के अपना लिख सकते हैं. एंड व्हेन यू रीड दैट पर्सन्स वर्क, आप उस इंसान के बारे में जानते हो. आप जानते हो कि उसके अंदर कितना इंटेलेक्ट है, क्या कैपेबिलिटी है उस पर्सन की, अबाउट हिज पर्सपेक्टिव.
सो या रीडिंग इज एन इमोशनल कनेक्ट, एंड इन अ वे मैं मानता हूँ कि रीडिंग कनेक्ट्स अ ह्यूमन टू ह्यूमन, बिकॉज देयर इज दिस वेरी फेवरेट लाइन ऑफ माइंड कि एवरी स्टोरी हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट. सो अगर कुछ ऑथर कोई स्टोरी लिख रहा है सो कहीं ना कहीं वो उसकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होगी. अगर नॉन फिक्शन भी तुम लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, सो देयर हैज टू बी सम इंस्पिरेशन जो कि रियल लाइफ से ही आएगा. थॉट्स ऐसे नहीं आते, आप कहीं से जा रहे हो कहीं आ रहे हो तभी थॉट्स आते हैं आपके दिमाग. सो हेल्दी इन्वायरमेंट होना, थॉट्स आना एंड उसको रखना एक बुक में, एंड जब वो दूसरा बंदा उसको पढ़ता है देन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल आल्सो कनेक्ट्स टू यू. सो अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, रीडिंग एक ऐसा मीडियम है जो लोगों को कनेक्ट करता है. दैट्स व्हाट आई पर्टिकुलर फील. बट हाउएवर अनफॉर्चुनेटली रीडिंग को लोग एज अ बोरिंग एक्टिविटी समझते हैं. लाइक देर इज दिस वेरी फेमस इंस्टेंस, अगर आपको कुछ नींद नहीं आ रही है रात में, इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक स्लीपिंग देन यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स. सो व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग बुक्स देन यू विल फील स्लीपी. सो व्हाट इज द लाइन ऑफ थॉट बिहाइंड इट? दैट शुडंट बी द केस बट इट इज. सो व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही रॉन्ग वे में हुआ है. जस्ट इमेजिन एक पर्सन ऑफिस से बहुत ही थका होके परेशान होके घर आया और उसको नींद नहीं आ रही है. किसी ने उसे सजेस्ट किया कि तुम सूदिंग म्यूजिक सुन लो, तुम्हें नींद आ जाएगी. डज दैट मीन दैट म्यूजिक इज बोरिंग? नो, दैट मीन्स दैट म्यूजिक रिलैक्सेस यू. इट टेक्स अवे ऑल दैट नेगेटिव एनर्जी दैट यू हैव बीन कैरिंग व्हेन यू वर आउटसाइड. Wow. When you are at your place, when you are at with yourself, it helps you connect. It helps you relieve, and that's why it helps you sleep better. Same goes for reading. So reading boring habit nahi. I mean, log bahut hi proudly kehte hain, I don't read. But, matlab, I personally want to ask them: Do you have the time, patience, energy, mindset, and even money to afford it? Reading is not charity, it's a luxury. I would say it's a rich man's habit. Har koi afford kar hi nahi sakta usse. Aapke andar itna patience hi nahi hoga. Kyunki kisi bhi ek nayi habit, especially achhi habit ko start karne mein you need to give time. Humne jab bolna sikha hoga, chalna sikha hoga, it required a lot of time and patience. Tab jaake hum wo cheez seekhte. It's like working out. Aap jo log workout karte hain only they know the difference. जो वर्कआउट नहीं करते वो ऑब्वियसली कहेंगे कि नहीं आई एम फाइन आई एम बेटर क्यों करना है. तो इट्स अबाउट योर माइंडसेट आल्सो. इट्स अ पर्सनल चॉइस ऑफ कोर्स बट इट्स आल्सो अबाउट योर माइंडसेट कि लाइफ में आपका विजन क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपके पास टाइम कितना है. और क्यों कोई पढ़ना चाहेगा 500 पेजेस की बुक जब हम 5 मिनट में इंस्टाग्राम पे लॉग इन करके 5 घंटे रील्स देख सकते हैं. हम अपनी फोटो अपलोड करके लोगों के कॉमेंट्स एंड लाइक्स से अपने आप को वो एक वो जो वैलिडेशन हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है. तो कोई क्यों वर्क करना चाहेगा अपने आप पे? व्हाई वुड पीपल वांट टू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम एंड पेशेंस टू सो कॉल्ड क्लेंजिफाई देयर थॉट्स जब उन्हें दुनिया से वो वैलिडेशन क्यों मिल रहा है? तो आई थिंक रीडिंग बहुत ही एक्सपेंसिव हैबिट है. नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट एंड इट्स डेफिनेटली नॉट बोरिंग. आई थिंक कोई भी नई चीज़ बोरिंग स्टार्टिंग में होती ही है. कोई भी अच्छी चीज़ स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगती है बट यू नीड टू गो डीप डाउन इफ यू रियली वांट टू एंजॉय इट. सो रीडिंग इज अ मैजिक, जो जानता है उसके बारे में उसी को पता होता है. इट क्रिएट्स अ मैजिकल ऑरा अराउंड यू. रीडिंग इज अ लग्जरी एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, क्योंकि पेशेंस सबके पास नहीं होता. सबको एवरीवन इज इन अ रश, पीपल आर वेरी हेवी. And not even money. Like there was this girl जिन्होंने मुझे call किया था, मतलब Instagram पे message किया था कि she wanted to read my book but she could not afford it. तो उनको मैंने भेजी अपनी book. मैंने 3-4 लोगों को भेजी अपनी book. तो I think मतलब it should not be taken in a wrong sense but I think it's a luxury. So जो reading करता है उसी को उसका एसेंस पता होता है. जो नहीं करता उनके लिए तो बस वैलिडेशन दुनिया से मिल रहा था क्या एक्चुअली. एक्जेक्टली. एंड सो ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन आल्सो व्हेन वी वर टॉकिंग प्लानिंग दिस एपिसोड यू मेंशन कि रीडिंग इज समथिंग व्हिच क्लेंजिफाई योर थॉट्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
Like how reading cleansifies someone's thought. As I told you, when you meet somebody, you accept their energies. आप किसी अच्छे इंसान से मिलोगे, आप अच्छा फील करोगे. आप बुरे इंसान से मिलोगे तो कुछ टाइम बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव. जब हर चीज की अपनी एनर्जीज है तो क्या हमारे माइंड के ऊपर उनका इम्पैक्ट नहीं होता होगा. व्हेन यू रीड अ गुड बुक यू गेट रिड ऑफ ऑल दोज एनर्जीज. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था म्यूजिक का. म्यूजिक सुन के हमें क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज इट टेक्स अवे ऑल दैट नेगेटिविटी आउट ऑफ यू. सो सेम वे व्हेन यू रीड बुक्स, मतलब ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस में होता है. ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ा आपको एक दिन में चेंजेस फील हुए. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू गिव इनफ टाइम टू रीडिंग, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ पाए, आप उनकी सिचुएशंस को अच्छे से समझ पाए, आप अपने आप को अच्छे से समझ पाए. आप शायद ये डिसाइड कर पाए कि मुझे किन लोगों से मिलना चाहिए, किन लोगों से नहीं मिलना चाहिए, किन लोगों का लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, किन लोगों का लाइफ में क्या इम्पैक्ट नहीं होता. शायद आप उससे नेगेटिव लोगों को, जो फालतू लोग हैं, उनको अपनी लाइफ से खुद दूर करें. तो एक पॉजिटिविटी लाइक आप अपने अराउंड क्रिएट कर रहे हो ना, इट्स बिकॉज आपके दिमाग में कोई वो प्लान सीड कर रहा है, राइट? हमने जैसे बचपन में अच्छी आदतें सीखी, वो धीरे धीरे हमने उनको इम्प्लीमेंट करना सीखा, उनके बेनिफिट्स जाने, दैट्स व्हाई वी इंकल्केटेड देम, राइट? सेम वे जब आप रीड करते हो तो यू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस बेटर. आप अपने आप को अच्छे से समझ पाते हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हो. और जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हो तो आई थिंक आप फालतू के लोगों, फालतू के थॉट्स, फालतू की बातों से दूर रहते. So in a way, it helps you connect with your inner side. I think that's how it cleansifies you. We can conclude it like this, ki by reading, you grow. आप जब read करते हो, you learn a lot of things. क्योंकि obviously जो वो writer है, he is much more experienced than you. That is the reason he has written a particular book. And जब you are reading different perspectives, then you know कि हाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. सोसाइटी अगर आप ग्रो कर रहे हो रीड करके, देन आप और लोगों को भी बताओगे व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर लर्निंग, यू विल टेल टू अदर पीपल. सो आप खुद तो ग्रो ही रहे हो, आप जिनको बताओगे वो भी ग्रो हो रहे. सो सोसाइटी अपलिफ्टमेंट भी होता है रीडिंग के. दैट्स हाउ कैन वी पुट इट, क्रिएटिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट अराउंड यू, क्रिएटिंग अ हेल्दी लाइक दैट. सो आई गेस रीडिंग तो काफी इंपॉर्टेंट है, एज वी डिस्कस्ड, बहुत जरूरी भी है. एंड बट स्टिल नहीं करना चाहते लोग. लाइक देयर आर पीपल, लाइक आई हैव हर्ड फ्रॉम लाइक पास्ट इन माई स्कूल लाइफ, मैंने भी बोला होगा कभी ना कभी, बट अभी द किड्स आर लाइक कि यार टेक्स्ट बुक्स तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ की नॉवेल्स कहाँ से पढ़ेंगे. सो दिस मेंटालिटी ऑफ पीपल शुडंट बी देयर, दैट्स व्हाट आई थिंक. कि बट आई डोंट नो, बट इट इज देयर कि लोग सोचते हैं हमने यार टेक्स्ट बुक्स अकेडमिक्स नहीं हो पा रहा तो हम लोग एक्स्ट्रा में कहाँ से किसी बुक को उठा के इतनी मोटी किताब पढ़ेंगे. They would rather prefer watching a summary over on YouTube or somewhere else. So, let's see. Okay. Now, talking about writing, just want to talk about writing. Like, there are many people जो लिखना चाहते हैं, जिनके पास talent भी है, but लिख नहीं पाते. Maybe due to some external pressures or due to external forces, उनको नहीं समझ आता मैं लिख भी दूंगा तो publish कैसे होगा. बहुत सारे issues आते हैं. And I guess कि जब आपकी book publish हुएगी, आपको भी कुछ ना कुछ issues तो आए होंगे. So, how is this process works of publishing a book? What's this whole process? I'll tell you the steps. Okay, from like our writer ने अपनी book बना ली, उसने लिख लिया. अब reader तक कैसे पहुँचेगी? सबसे पहले तो उस content पे work कीजिए. Work करने का मतलब ये है कि try to speak more in less words. आप जितना कम हो सके उतना कम कीजिए. Extra सामान हटा दीजिए. फालतू के मसाले मत डालिए. Unnecessary. क्योंकि रीडर्स आर वेरी स्मार्ट, वो सब समझ जाते हैं कि आप कौन सा आइडिया जबरदस्ती बात कर रहे हैं. या यू आर जस्ट मेकिंग इट लेंथी. यस, और अगर लेंथी होगी तो वो चीज बोरिंग भी हो जाएगी. तो सबसे पहले अपने क्राफ्ट पे वर्क कीजिए. आप यहाँ से अपने क्राफ्ट के दम पे जाओगे. किसी पीआर पब्लिशर में वो दम नहीं है कि
आपके कंटेंट को अच्छा बना दे. सो फाइंडिंग अ पब्लिशर इज द सेकेंडरी पार्ट. प्राइमरी पार्ट इज टू राइट अ गुड बुक. एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट यू शुड राइट समथिंग माइंड ब्लोइंग. आप बहुत अलग लिख दो, आप बहुत नॉर्मल लिखो बट रिलेटेबल लिखो, इंटरेस्टिंग वे में लिखो. उसके लिए यू नीड टू ऑब्जर्व थिंग्स. तो पहला स्टेप तो यही है टू एडिट इट इन अ प्रॉपर शेप. उसके बाद आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, सबके सबमिशन लिंक्स होते हैं अवेलेबल. बहुत सारे नए पब्लिशर्स आजकल हैं जो न्यू ऑथर्स को मौका देते हैं. आप उनसे कनेक्ट कीजिए, आप उन्हें अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सेंड कीजिए एंड देन बी पेशेंट. लाइक माय बुक वाज रिजेक्टेड बाय एटलीस्ट 30 पब्लिशर्स और नॉट इवन वन टाइम, मल्टीपल टाइम्स. लाइक मैंने उन्हें बार बार भेजी थी बट इट वॉज रिजेक्टेड. तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि माई बुक वॉज बैड और समथिंग. You need to have that faith in you ki your book is amazing, that's it. Baki chahe us topic pe hazaron books likhi gayi hain, your book is different, your book is amazing, that's it. You need to believe that. Once you believe that, obviously over a period of time, if you learn from your mistakes, that is very important. Agar maan lijiye aapne kisi ko book padhne di, apne kisi friend ko, unhone bataya ki ye part thoda sa aisa hai waisa hai, tumhari is part mein mistakes hain, तो उससे अपना ईगो हर्ट करने के बजाय अगर आप उससे सीख के उसको एलिमिनेट कर सकते हैं तो दैट विल टेक यू टू अ लॉन्ग वे. और इट्स अ जर्नी एक्चुअली. राइटिंग इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी. आप बार बार अपनी मिस्टेक्स को सुधारिए, अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए एंड यू विल इवेंचुअली फाइंड अ पब्लिशर. ऐसा हो ही नहीं सकता दैट, क्योंकि पब्लिशर्स को भी तो चाहिए ऑथर. रीडर्स को अच्छी बुक चाहिए, पब्लिशर्स को अच्छा ऑथर चाहिए. तो आप अगर अच्छा लिखोगे तो कैसे वो लोग आपको नेम मिलेंगे. रही बात मनी की, बिकॉज देर आर सम नोशंस दैट यू शुड हैव अ गुड पीआर, आपको बहुत पैसा प्रमोशंस पे लगाना है. मुझे नहीं लगता इसकी इतनी ज़रूरत है. हाँ थोड़ा बहुत है ज़रूरी बट इतना नहीं है. इतना तब है जब आपके कॉन्टेंट में दम ना हो. तो या तो आप कॉन्टेंट बहुत अच्छा रेडी कर लो सो दैट पब्लिशर्स आर आफ्टर यू, या फिर आप पैसा बहुत ज्यादा लगा दो एंड यू आर आफ्टर द पब्लिशर्स. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड फेथ, हैविंग फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल फाइंड, बिकॉज एवरी गुड बुक हैज इट्स रीडर्स, एवरी गुड बुक हैज इट्स पब्लिशर. यू डोंट नीड टू वरी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड विल हैपन. यू जस्ट नीड टू कीप लुकिंग फॉर द ऑप्शंस. और आजकल तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह इन लोगों के एड्स आते हैं. आप उनको फॉलो कीजिए, आप देखिए उनके पैकेजेस क्या हैं. यू कैन पब्लिश इट सेल्फ ऑल्सो, यू नो सेल्फ पब्लिशिंग इज एन ऑप्शन फॉर यंग ऑथर्स. एंड बहुत अफोर्डेबल पैकेजेस में यू कैन गो गेट इट पब्लिश्ड. दैट्स हाउ इट कैन गो. सो फॉर द एस्पायरिंग राइटर्स या जिनके पास एक काफी अच्छा कंटेंट रखा हुआ है, उनसे दीप्ति टोल्ड यू द स्टेप्स, आई विल बी जस्ट कंक्लूडिंग देम. सो पहले वर्क ऑन योर कॉन्टेंट, लोगों को दीजिए, द पीपल हुम यू ट्रस्ट. ऐसा नहीं कि यू आर गिविंग टू समवन हु इज विल स्टील योर कंटेंट. नहीं, लेट्स से उस पर्सन को रीडिंग, लाइक उसने बुक्स पढ़ी भी होनी चाहिए. अगर पढ़ी ही नहीं, जिसने स्टार्ट ही आपके नॉवल से किया तो शायद वो आपको उतना रिव्यू नहीं दे पाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड पीपल फॉर रिव्यू. पहले राइट अ गुड कंटेंट. गुड कंटेंट के लिए यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स. When you will be observing things, you will be getting more and more thoughts. तब आप उसको लिखोगे. And उसके बाद you give to more and more people to review it and learn from them. Then here comes the line जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि there is a lot to learn from everyone. सबसे कुछ ना कुछ सीखने का है. So whenever a reader or a reviewer says कि this part is wrong, don't come in your ego कि नहीं मैंने लिखा है अच्छा है मेरे को पसंद है. नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना उसको है. So listen to him and उसके बाद जस्ट बी पेशेंट एंड हैव फेथ इन योर वर्क कि मैंने जो लिखा है वो अच्छा है. देन यू विल फाइंड योर पब्लिशर. आई विल फाइंड अ गुड पब्लिशर. मंडे आई एम गोना फाइंड अ पब्लिशर. हैव फेथ इन यू यार, सब हो जाएगा. एंड सो टॉकिंग अबाउट राइटिंग ओनली, बहुत सारे राइटर्स हैं. आई माई सेल्फ इज ऑल्सो अ राइटर. आई राइट कॉन्टेंट फॉर माई एपिसोड्स एंड समथिंग. सो समटाइम्स आई फील कि आई डोंट हैव एनी थॉट्स. इट्स नॉट लाइक कि मैं घर पे बैठा हूँ इसलिए आई एम नॉट गेटिंग थॉट्स, या मैं बाहर जा रहा हूँ इसलिए नहीं पढ़ रहा. इट्स जस्ट समटाइम देयर इज दिस राइटर्स ब्लॉक, वो माइंड में आ जाता है. यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. आपने सीरीज बनाई, आपने दो तीन एपिसोड्स लिख लिए, यू आर नॉट गेटिंग कि थर्ड एपिसोड आगे कैसे कंटिन्यू करें.
So how can someone overcome that writer's block? Just take a break. Don't be too hard on yourself कि हर रोज लिखना ही है. आप चाहो तो एक हफ्ते का ब्रेक ले लो, एक महीने का ब्रेक ले लो, बिकॉज जबरदस्ती करके आप कुछ अच्छा लिख भी नहीं पाओगे, राइट? दूसरा, उस टाइम पीरियड में ट्राई टू रीड बुक्स. दैट्स व्हाट आई डू, एंड आई ट्राई टू रीड वेरी डिफरेंट बुक्स. लाइक इफ आई एम रीडिंग वन बुक फ्रॉम निकोलस स्पार्क्स, निकोलस स्पार्क्स एनी रोमांटिक नॉवल, एंड सेकेंड बुक आई पिक फ्रॉम मंटो. तो जब दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बुक्स आप पढ़ते हो तो इवेंचुअली यू विल बी हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर हेड कि अगर इस सिचुएशन में ये होता है, उस सिचुएशन में वो पर्सन होता, तो हाउ वुड दे हैव रिएक्टेड, हाउ हैव टाइम्स चेंज्ड. बेस्ट थिंग इज टू रीड अबाउट समथिंग दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन द एनवायरमेंट दैट यू आर हैविंग. लाइक आप हिंदी नॉवल पढ़ो, धर्मवीर भारती, उनका एक बहुत ही फेमस नॉवल है गुनाहों का देवता, अमृता प्रीतम, मंटो, ये लोग हमसे 50 साल पहले लिखते थे. उस टाइम का जमाना क्या था, लोग कैसे बात करते थे, क्या सिचुएशन थी, पॉलिटिकल व्यूज, रिलीजियस व्यूज, लव स्टोरीज. जब आप एक अलग जोन में जाते हो तो आपका माइंड ऑब्वियसली मतलब ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट थिंकिंग. हम ये जो राइटर्स ब्लॉक है, इट इज बिकॉज वी आर टू ऑक्यूपाइड इन द वर्ल्ड अराउंड अस, वी नीड टू चेंज दैट वर्ल्ड. उसके लिए आपको कहीं जरूरी नहीं, घर से बाहर जाना ही जरूरी है. आप मेंटली भी जा सकते हो, गो टू डिफरेंट टाइम पीरियड, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट. सो फील की most unexpected thoughts come in your mind at the most unexpected times, ki kabhi you are doing something else and aapke dimag mein kuch aur thought aa gaya and you are thinking, oh my god, ye to main likh sakta hu. I'll tell you one incident. I was once writing an exam for banking. Main banking ka exam de rahi thi aur banking ke paper ke piche maine ek poem likhi thi because mujhe wahan pe white aa gaya tha. So maine uske piche likhi thi and maine wo paper kiya hi nahi tha fir pura. Because I think I was like, ki, I have to do writing. अगर इस exam की मैंने जिसकी इतनी preparation की है, उसके exam में अगर मुझे poem लिखने का मन हो रहा है, तो I think I need to do something for about this. So yeah, it happens. The weirdest thoughts come to you in the weirdest place. So checker ने number दिया? नहीं, मैंने actually उसमें you have to submit your answers. हमें बस एक पेपर मिलता था, आई डोंट नो, उसपे इंस्ट्रक्शंस होते थे, शायद हमारा एडमिट कार्ड होता था. एग्जाम यूज्ड टू बी ऑनलाइन, बट दैट एडमिट कार्ड, सो दे यूज्ड टू कीप वन पार्ट ऑफ द एडमिट कार्ड विद देम, और एक पार्ट हमारे पास रहता था जो हमें यू नो लेके जा सकते थे सर. उसके पीछे आई थिंक मैंने लिखा, तो एग्जामिनर को शायद नहीं पता चला होगा. देना चाहिए था एग्जामिनर को, उसी पे नंबर दे देता वो. लाइक आई विल अप्लाई दिस मेथड. कभी कभी आई एम एट वेरी बैड राइटर्स ब्लॉक, मेरे को नहीं समझ आता कि आगे क्या लिखूं. लाइक पीपल आर लाइक कि बुक पढ़िए, पीपल आर लाइक कि कब आएगा एपिसोड, व्हाट यू आर प्लानिंग. नो, आई एम नॉट प्लानिंग एनीथिंग, समझ नहीं आ रहा मुझे. यू हैव कंप्लीटेड वन ईयर, सक्सेसफुल वन ईयर, सो आई गेस देयर मस्ट बी सम थिंग्स जो एक राइटर या फिर एक ऑथर किसी भी जॉनर का, लाइक सारे ऑथर्स करते होंगे नो मैटर आप कौन से जॉनर में लिख रहे हो, लाइक सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो यूज करते हो, समझते हैं सम टिप्स फॉर द पीपल जो राइट करना चाहते हैं. एक तो हमें पता चला कि लेंथी नहीं करना है कंटेंट को, यू हैव टू बी प्रिसाइज, ज्यादा चीजें लिखने की कोशिश करिए कम शब्दों जी. और दूसरा है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स पढ़िए, एज आई टोल्ड यू ना, एक्सपेरिमेंट विद द ऑथर्स, उनकी कहानियों को कंपेयर कीजिए. Try to plan कि इस सिचुएशन में अगर ये एक्टर यहाँ होता और ये पर्सन यहाँ होता तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं. Try to know them. Try to, third point would be try to meet a lot of people. I try to, you know, talk to a lot of people. I have many friends and I try to know. एक particular situation में I try to observe कि how a person reacts differently. And उसके बाद आपके जो दिल में है एक बार आप लिख दो. Don't try to find a meaning. बस लिख डालो, उसे भूलो मत, वरना फिर आप भूले जाओगे. उसे लिख दो एंड व्हेन यू कीप ऑन डूइंग दैट यू विल डेवलप दिस हैबिट ऑफ यू नो स्ट्रक्चरिंग द थॉट्स. राइटिंग तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चरिंग. यू मे हैव थाउजेंड आइडियाज बट अगर एक थीम उसके अंदर नहीं आपने डाली है तो दे विल बी रैंडम, इट वोंट बी अ स्टोरी. तो व्हेन यू फाइंड दैट स्टोरी एंड स्टार्ट पुटिंग पीसेस इनटू इट, एवरीथिंग यू नो वन देयर विल बी वन डे व्हेन एवरीथिंग विल दोज
80,000 words will start making a sense, and that will be like the happiest day of your life. And उस दिन आपको समझ आएगा कि हाँ, you need to be patient, you need to keep writing. छोटे छोटे parts में लिखो, जरूरी नहीं एक दिन में सब कुछ लिखना, और पहली बार में जो मना है लिख दो, बट उसको एडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 दिन बाद अगर आप सेम चीज पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार ये तो बहुत लेंदी, दिस इज आउट ऑफ स्पेस. उसके बाद जब सारे पीसेस अगर आपको लगे पूरे हो गए, तो गिव इट अ कंप्लीट रीड, नॉट 1 or 2 times बट 10 times, आपको पता लग जाएगा. एंड जस्ट कीप राइटिंग अबाउट इट. एक दो पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे होने चाहिए जिनके साथ यू कैन डिस्कस इट आउट. इफ यू कैन डिस्कस इट आउट कि आपकी स्टोरी को आप ओपनली डिस्कस कर सको, तो शायद उनके ओपिनियंस, व्हाट डू यू थिंक, यू कैन आस्क देम इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, तो ये भी उनसे कोई बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल जाए. तो टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, डोंट टेल इट टू एनी एवरीबडी, बट जैसे आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं अपनी मॉम से कई बार डिस्कस करती हूँ, अब उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है, तो इट हेल्प्स मी कि हाँ उनकी एज का पर्सन कैसे सोचेगा उसको. आई टॉक टू माई सिस्टर, उसने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, रशियन लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो उसको और कुछ पता होगा. मेरे कुछ और फ्रेंड हैं, कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, बट उनके भी कुछ ओपिनियंस होंगे. तो ऐसे ट्राई टू टेक डिफरेंट ओपिनियंस, डिसाइड आप ही करो कि किसमें क्या होना चाहिए. एक बार लिख डालो, उसके बाद व्हेन यू रीड इट अगेन, देन यू विल नो व्हाट मेक्स सेंस, व्हाट डजंट मेक सेंस. सो यू, दीज आर द, यू नो, सम ट्रिक्स दैट आई फॉलो. And these are the tricks everyone should follow, because reading and writing हमेशा साथ में बोला जाता है. Reading and writing, क्योंकि reading and writing हमेशा साथ में होती है. If you are writing something, then you have to read it, reread it, and again read it. तब एक अच्छा content आएगा. It's like you read something, you think about it, about something similar, and you write about it. Then you write it, and then you read it. It's like that. Read, write, write, read. That's how it goes. So today we unmask the thing ki reading and writing ek saath kyun use hota hai? Iske use hota hai. Hamesha reading and writing. But I personally feel ki, you know, books lengthy hoti hai. There is no doubt books lengthy hoti hai. 500 page, 1000 page normal hota hai ek book ke liye. So readers hain, they will read it. Unke liye to koi issue nahi. But jo non-readers hain, meri tarah, I'm not a hardcore reader. Main kabhi kabhi padhta hun. So, वो कुछ पेजेस पढ़ेंगे फिर बोर हो जाएंगे. They will leave that book. If it is not very interesting, अगर कुछ बहुत ही ज्यादा interesting है, then we will continue it. So, but what I have seen कि अगर कोई बुक है उसमें अगर आप थोड़ा सा सॉन्ग्स डाल दो, let's think what I'm saying, कि आप एक बुक है, बुक की स्टोरी में आप सॉन्ग डाल दो, दो तीन एंटरटेनमेंट सीन्स डाल दो, दो तीन ड्रामे डाल दो, एंड उसकी एक मूवी बना दो, देन कितनी ज्यादा ऑडियंस उसको मिलेगी. For example, most of the Chetan Bhagat's work, like the very famous example can be Half Girlfriend. Half Girlfriend is a movie starring Arjun Kapoor and Shraddha Kapoor. And that particular movie is based on Chetan Bhagat's novel Half Girlfriend. And I bet ki jinhone bhi dekhi hogi, usme se aadhe se zyada logon ko nahi pata hoga ki wo novel se inspired hogi. So there is lot of content right there in the Bollywood or in any Hollywood, any media industry, jo books se ya novels se inspire hota hai. So what is it? Like story to wahi hai. Bas you are adding the element of entertainment, aap uski movie bana de rahe ho. And people are loving it. So how do you feel like as a writer when books are adopted in movies? When books are adapted in movies, then I would say कि जो readers हैं उन्हें तो कभी पसंद नहीं आएंगी. Like वो उस चीज़ को कभी, मैंने बहुत कम readers को देखा है जिन्हें उन books का screen adaptation पसंद आया. जिन्होंने book नहीं पढ़ी उनको अच्छा लगता. Half Girlfriend, honestly book was better. मैंने book भी शायद आधी पढ़ी थी, but it was better. Movie तो it was like worse. मैंने पूरी देखने की हिम्मत नहीं हुई. तो you see, when you watch a movie, you're reacting to something. वो जो credit है, जैसे आपने कहा कि दो तीन scenes डाल दिए, आपने songs डाल दिए, कुछ अच्छे कपड़े, कुछ अच्छे set, locations, तो credit तो वो ले गए. Story का तो credit रहा ही नहीं. When you read a book, you are writing your own songs. You are imagining your own costumes. You are imagining your own locations.
और जब आप वो करते हो तो आप स्टोरी के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील होते हो. लाइक अगर मैं हाफ गर्लफ्रेंड तो नहीं, लाइक मैं, आपने द काइट रनर पढ़ी? नहीं पढ़ी होगी आई एम श्योर. हैरी पॉटर अडाप्टेशन है फिल्म्स में मैं एक ऐसी बुक की बात करूंगी जिसका अभी तक कोई मूवी अडाप्टेशन नहीं हुआ है. जैसे एक बुक है उसमें कोई कैरेक्टर है, उसकी इमेजिनेशन या फिर उसका पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में अलग होगा, मेरे दिमाग में अलग होगा. सो दैट्स व्हाई दैट नॉवल वुड मीन समथिंग टू यू एंड समथिंग एल्स टू मी. एंड जब वो आप मूवी में देखते हो, इट्स लाइक समबडी यू नो टेक्स इट अवे फ्रॉम यू. जो वो आपका और उस बुक के बीच में जो कनेक्शन था, आई थिंक दैट गोज अवे. तो मुझे लगता है कि स्क्रीन अडाप्टेशन के लिए बहुत ज्यादा ही आपको रिसर्च की जरूरत होती है. और इंडिया में तो बुक अडाप्टेशन मुझे नहीं लगता अच्छे होते, हॉलीवुड में फिर भी ठीक ठाक होते हैं बिकॉज दे रिप्रेजेंट एग्जैक्टली. इंडिया में वो ड्रामा डालना जरूरी होता है, लाइक द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर. उस फिल्म को ऑलमोस्ट उन्होंने वैसा ही बनाया जैसा नॉवल में था, इसलिए फिल्म मुझे पसंद है. अब उसके अंदर अ पर्सन टॉक्स अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड सुसाइड. इंडिया में तो वो सीन हटा ही देंगे, उसकी जगह कुछ पार्टी सॉन्ग लगा देंगे या कुछ. तो आई थिंक दैट कनेक्ट दैट रीडर मेक्स विद द बुक व्हेन ही रीड्स इट, आई थिंक दैट मेल्ट्स अवे व्हेन दे सी दैट. इट्स लाइक कि ओ गॉड, मेरा हाफ गर्लफ्रेंड का हीरो तो ऐसा था ही नहीं. एंड लाइक आई थिंक दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द रीडर्स डोंट लाइक द स्क्रीन अडैप्टेशंस. रेस्ट अगर बहुत अच्छे से बनाया जाए तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. यू आर यू नो मेकिंग इट रीच टू अ वाइडर ऑडियंस, द स्टोरी गोज टू मोर पीपल, आई थिंक दैट्स गुड. बट Yeah. ये है कि वो मसाला वसाला नहीं डालना चाहिए, एज इट इज ही बनानी चाहिए. I absolutely agree with you because like to substantiate that we can take an example of Marvel comics. Marvel की पहले कॉमिक्स आती है, देन उनका स्क्रीन अडैप्टेशन होके बुक बनती है, मूवीज बनती है. एंड जो कॉमिक्स होती है पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट सेम होता है मूवीज में भी, बस दे आर एडिंग द एक्शन एलिमेंट एंड एडिटिंग वीएफएक्स इफेक्ट्स. या एंड पीपल आर लविंग इट क्योंकि उसकी वजह से जो कॉमिक रीडर्स हैं वो भी मूवीज देखते हैं, जो कॉमिक रीडर्स नहीं है वो भी देखते हैं. सो आई एब्सोल्युटली अग्री द पॉइंट कि जो रीडर्स होंगे दे विल नॉट लाइक क्योंकि. एंड द सेकेंड पॉइंट विच यू मेड कि जो आपके पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं रीडर्स के, उससे वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दिस अबाउट रीडिंग कि रीडिंग क्रिएट्स गिव्स यू एन क्रिएटिव स्किल. लाइक एक क्रिएटिव एलिमेंट आपके दिमाग में देता है. When you are imagining something, then ultimately you are creating something in your mind. आप सोच रहे हो कि हाँ, I am reading about this, that, there's this line कि the guy goes to the girl and I am imagining in my mind कि हाँ, वो लड़का ऐसे जा रहा होगा. That will be the scenario around. So it helps you और मान creating the लीजिए मूवी में वो वैसा नहीं रहा जैसा आपने इमेजिन किया था, तो यू लाइक इट राइट? you know, like हाँ, absolutely. यू विल नो माय वर्जन वाज बेटर, इट विल बी लाइक दैट. Okay, so any particular movie adaptation which you like from Bollywood in of the books? बॉलीवुड आई थिंक टू स्टेट्स वाज गुड. Two states. Again, a Chetan Bhagat's novel. I like Chetan Bhagat's novels. I don't know why people don't like them. I think they're good. No, Chetan Bhagat has created its name and Chetan Bhagat is a good author. And अगर स्टोरी अच्छी है तभी तो स्क्रीन अडेप्टेशन हो रहा है. क्योंकि तो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि जब पीपल विल सी इट उनको भी प्रॉफिट होगा, दे विल ऑल्सो लाइक इट. सो नाउ एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड, इज देर एनी लेसन ऑन अ क्लोजिंग नोट विच यू वॉन्ट टू टेल आर व्यूअर्स विच यू हैव लर्न इन योर लाइफ? एक ऐसा लेसन अपनी थ्रू आउट जर्नी में विच कैन हेल्प पीपल टू इंस्पायर. I think it's very simple. You get what you think. Simple as that. आप अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छी चीजें अपने आप दिखने लग जाएंगी. आप हर चीज में अपने अंदर ही अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो आपको हर जगह फ्रस्ट्रेशन ही दिखेगी. तो कहते हैं ना, जैसे आप होते वैसे ही दुनिया. तो आई थिंक दैट्स इट. द वे यू फील इन साइड द वर्ल्ड विल लुक लाइक दैट. सो आई वुड नॉट गो टू द नेगेटिव पार्ट. आई वुड सिंपली से दैट यू गेट वॉट यू थिंक. सो थिंक गुड, थिंक बेटर, थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू बी एंड ट्रस्ट मी यू विल बी दैट. परफेक्ट. ऐसी नजर वैसा नजरिया. सो थिंक गुड एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव फेथ इन यू.
And believe it, good things take time. Very quickly, in the last 2 to 3 minutes, any 5 books which you want to recommend to me and to other viewers, ki, to the non-readers. Beginners ke liye. Yeah, for beginners and for non-readers. Beginners ke liye, right? Yeah. Okay. Mm-hmm. Fake Posh, written by Deepthi Sharma. My second book. I think it's good. It's very relatable, very simply written, and very interesting. If you can give a brief overview about the story. Fake Posh is 4 short stories. And the short stories के topics वही हैं जो usually जो youth अपने face करता है अपने channel पर. तो short stories में ज़्यादा तो खैर क्या बताऊँ मैं. बस ये कहूँगी youth centric stories हैं about some college going students who are fighting for their dreams, fighting in their relationships, and trying to find that balance in life. तो fake posh जो title story है, it's about 4 or 5 people. Who use each other for their own good. You know, like everybody is very sly when it comes to make a choice between them and the other person. So, wo hai. Dusri story hai Circus, jisme humne baat ki hai jo social media pe aajkal jo kuch bhi ho raha hai. It's like ki agar ek insaan aapke samne dance kare stage pe, to you will enjoy it. अगर एक टाइम पे 100 लोग डांस कर रहे हो तो विल यू एंजॉय इट. आई थिंक यू विल गो क्रेजी. इट विल लुक लाइक अ सर्कस. तो उस पे है जो करंट हमारा सिचुएशन है सोशल मीडिया का, कि कैसे किस चीज के लिए स्टार्ट हुआ था और क्या वो बन गया है. थर्ड जो स्टोरी है मिस्टर टच मी नॉट, इट्स अ रोमांटिक स्टोरी अबाउट अ कपल हु आर वेयर द गर्ल इज एन आरजे. शी हैज हर शो एंड ऑन द शो शी वो कुछ लव टिप्स देती है. शी इज हैविंग दिस लव शो, बट प्रॉब्लम ये होती है कि उसके रियल लाइफ में ही वो हैंडल नहीं कर पाती चीज़ों को. लाइक फॉर द वर्ल्ड शी इज दैट सो कॉल्ड लव गुरु जो चीज़ों को बहुत ही सॉर्ट आउट कर देती है, बट इन रियल लाइफ वो उन चीज़ों को डील नहीं कर पाती. एंड दिस ब्रिंग्स हर टू दिस पॉइंट कि समझ नहीं पाती कि रियालिटी और वर्चुअलिटी में वो किसको कैसे चूज करे एंड किसको कैसे सॉर्ट करे. तो ये उस पर एक बेस्ड एक स्टोरी है. एंड जो फोर्थ स्टोरी है, इट इज़ अबाउट सम फ्रेंड्स जो बहुत बड़े हो गए हैं, लाइक 35-40 के एज में. एंड अ पर्सन रियलाइजेस, यू नो मेल्स में ये चीज़ होती है कि फ्रेंडशिप इज एवरीथिंग. वो लोग ड्रिंकिंग को भी फ्रेंडशिप का एक सिंबल मानते हैं बहुत लोगों में. आपने देखते हैं इट्स नॉट अबाउट वॉट यू टेक फ्रॉम देम, वॉट यू गिफ्ट टू देम, वो सब तो दूर की बात है. This so-called fake matches mo, जो है वो उस पर एक वो है कि एक मेल का ही कंफ्यूजन कि वॉट इफ आई डो नॉट कनेक्ट विद दीज पीपल हु वर माई फ्रेंड्स बट आई डोंट सी देम एज माई फ्रेंड्स एनीमोर. मतलब जिन लोगों के साथ मेरी दोस्ती थी अब वो बदल गए हैं, उनके साथ रह के मुझे सफोकेशन फील होती, तो मैं क्या करूँ. मुझे सो कॉल्ड ये जो बॉलीवुड ने बहुत ही हाइप बना दिया है फ्रेंडशिप एंड ऑल ऑफ दिस, मैं उसको फॉलो करके उन लोगों के साथ रहूं ताकि मैं दुनिया को ये कह सकूं कि मेरे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हैं, या फिर मैं उन लोगों से दूरी बनाऊं क्योंकि मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा. तो ये उसका एक कंफ्यूजन है. स्टोरी का नाम है स्टैंड अप कॉमेडियन. उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस कन्फ्यूजन में और ज़्यादा फंस जाता है. एंड इवेंचुअली ही गोज टू अ स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट जहाँ पे ही ट्राइज टू टॉक अबाउट इट एंड द वर्ल्ड टेक्स इट फॉर फन कि हाँ ये तो हंसाने के लिए बोल रहा है. यूजुअली आप देख लो कैसे जोक्स होते हैं स्टैंड अप कॉमेडी में, ये जो रियलिस्टिक जोक्स दे आर रिलेटेड टू लाइफ. तो उस पे है वो. तो ये 4 स्टोरीज हैं, आप भी पढ़ सकते हो वैसे. आई विल श्योरली डू इट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट पर्टिकुलरली नाउ फील कि कितने सारे आइडियाज हैं, कितने सारे थॉट्स हैं जो एक रीडिंग थ्रू अ पर्सन कैन गेट. Like I really love the overview जो आपने दिया. Talking only about the last book, a person, he is telling about his real life in a stand-up comedian, and the world is taking it for fun. So just imagine how the writer is thinking, what his perspective. And जब आप वो book पढ़ोगे, I'm very sure कि मैं पढ़ने वाला हूँ ये book. And when you will read this book, so how you will get the idea, you will connect to the author, jo humne pure episode mein discuss kiya ki reading gives you an emotional connect.
मेनी पीपल विल फाइंड अ गाय सिमिलर टू हिम इन अ बुक, वो उनको पसंद आएगी. लाइक आप कुछ बुक पढ़ रहे हो, कोई कैरेक्टर पढ़ रहे हो एंड यू से कि हाँ पे ये कैरेक्टर एकदम मैं ही हूँ. इट्स नॉट अ मूवी, इट्स नॉट अ रियल लाइफ, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई जर्नी. सो इट्स ऑल पर्सपेक्टिव. Express, you know, they can't express. They don't know that in such such kind of situation, what should I do? So maybe जब आप किसी और को देखते हो, तो शायद आप एक decision ले पो कि हाँ, this is what he should do. So I think this way you get clarity. Or reading is not about reading every book that you come across. बहुत सारी books हैं जो सच में बहुत ही boring होती हैं. तो वहाँ अपना time waste नहीं करना आपको. You need to find your own taste. You know. कुछ बुक्स पढ़ने के बाद यू कैन फाइंड योर ओन टेस्ट. लाइक मुझे पता है कि मुझे कैसी बुक्स पसंद आती है. तो ऐसे ही एक आपका टेस्ट जब होगा, देन यू लव इट. फिर वो आपके लिए बेस्ट हॉबी बनेगी. आई नीड दैट फीलिंग, आई नीड दैट रश इनसाइड मी. आई थिंक फॉर दैट यू नीड टू एक्सपेरिमेंट अ बुक, बट यू कैन स्टार्ट विद माइन. इट्स अ गुड बुक. या श्योर. एंड आई जस्ट अबाउट रीडिंग, आई सेड दिस अबाउट द पर्सपेक्टिव एंड थॉट्स, कितने सारे आइडियाज. एंड सेम गोज विद द राइटिंग. Everyone is a writer. हर कोई कुछ ना कुछ लिख रहा है. Whether you are writing the assignments, whether you are writing scripts or कुछ भी आप कर रहे हो, you are writing. आप WhatsApp की similar text भी लिख रहे हो, still you are writing. Talking about the relationships, पहले होता था people used to send love letters. उसपे पूरे Bollywood के songs भेजते हैं, प्यार की चिट्ठी भेज रहे हैं. So writer सब लोग हैं. If anyone can do writing, I feel just observe the things. Maybe Diti has a different opinion, but I guess ki everyone we can be a writer. Just you have to observe things. And you should write more. अगर मैं कहूँ कि जैसे कोलकाता में एक person है, उसने अपने आसपास जो माहौल देखा, वो मैंने शायद यहाँ जयपुर में नहीं देखा होगा. तो it would be very interesting for me to know about it. तो just observe things around you. Relatability is what makes a book interesting. What I feel. You should write about it. I would inspire, and if I can, and motivate many, like more and more people to write books. Right. If you cannot speak, you can write. लिखना सबको आता है. Just write it down. It was great talking to you. Trust me. Like, and I personally feel कि reading and writing as a concept पे बात करने के लिए बहुत कुछ है. I guess कि we will. See you again on the show very soon within this concept. Few more questions, few more answers to be given. And till then, this was it in this episode. I hope you like it. And see you again in the next episode. Thank you so much, Samar. Thank you. It was a pleasure. It was fun. I liked it. Thank you so much. Thank you so much for being here, Diti.